हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आइए, आपका दोस्त फिर से हाजिर है। नमस्कार दोस्तों। तो देखो, देखिए आज मैं ये मशीन है, मैं भारत पे स्वैप मशीन के बारे में बात करने आया हूँ। ये मशीन एक्चुअली दोस्तों मैं बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली हुआ क्या है कि दोस्तों बहुत बेकार मशीन है ये, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। ये मतलब 1 जुलाई से पहले इतना अच्छा था कि आप बिलीव नहीं कर सकते। 15 दिन पेमेंट होल्ड करने के बाद भी क्या होता था कि बहुत सारे काम हो जाते थे। चलो, 2 लाख क्रेडिट कार्ड है तो आपने स्वैप कर लिया और पेमेंट की उसके लिए होल्ड कर दी है, उसका फिर भी तो कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ना उसको रखे रहिए और उसमें रखा पड़ा रहता था और बाद में कभी यूज हुआ तो उसमें रिस्टार्ट भी तो कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज मैं बताऊँगा इसका सच्चाई क्या है। दोस्तों ये 1 जुलाई से इतना चार्जेज लगा रखा है इन्होंने कि नाक में दम कर दिया है। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, तो आप जान लीजिए ये अब बैन बंद हो चुका है। इनका बहुत चार्जेज है दोस्तों, इसका MDR चार्ज होता है कोई, उस पर ये बहुत सारे चार्ज ऐड कर दिया है। पता नहीं ये बैंक का कुछ कुछ रेगुलेशन आया था जिस पर बहुत सारे कार्ड को बंद करने जा रही है। तो उसमें दोस्तों बहुत सारे कार्ड है, जैसे भारत पे कार्ड है, पोस्ट पे कार्ड है, लेजी कार्ड है, जितने भी मतलब जो फॉरनर बैंक के साथ टाइप है, जैसे वन कार्ड हो गया, ये सब खासकर दोस्तों हो रहा है। मॉरिशस बैंक का जो कार्ड है जिसके साथ मॉरिशस बैंक ने टाइप किया हुआ, वो सारे कार्ड को बंद करने के लिए बंद कर रहे हैं। और RBI ये रूल लाया है क्योंकि दोस्तों होता क्या था, ये कार्ड जैसे आप यूज़ करते हैं, ये जो कार्ड यूज़ करते मेरे पास है, पोस्ट पे का ही है, भारत पे का कार्ड है, दोस्तों ये कार्ड ये कुछ नहीं है तो दोस्तों ये क्या करता, हर एक ट्रांजेक्शन पे 1%, 2%, 5% का कैशबैक देते थे। तो दोस्तों क्या लगता है इसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना दूसरे बैंक को। इन्होंने क्या किया, कंप्लेन करके इनके अगेंस्ट में ये रूल रेगुलेशन चेंज किया है। तो दोस्तों ये जो है मैं बहुत सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप भारत पे का कुछ भी यूज़ करें उसको बैन कर दीजिए, ठीक है? बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर पेमेंट आपको निकालना हो कहीं से भी, तो दोस्तों सबसे ईजी और बेस्ट मैं बताता हूँ आपको पेमेंट निकालने का, वो है स्मार्ट हब है दोस्तों। ये किसका है, HDFC बैंक का स्मार्ट हब है। करेंट अकाउंट वाले के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। क्रेडिट कार्ड निकालो, डेबिट कार्ड निकालो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट निकालो कार्ड अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड से। ये दोस्तों कुछ कुछ तरह के लिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा मिनी सेविंग अकाउंट पे चार्जेबल है 1%। फिर भी दोस्तों इससे लाख गुना अच्छा है वो, अगर 1% पे आप निकालते हैं तो 1,00,000 पे लिया। लेकिन ये तो पता है दोस्तों 1,00,000 पे कितना ले लेगा, तो 3,000 पे ले लेगा इससे इंटरेस्ट GST के साथ। तो मैं आप लोग सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप भारत पे का जितना मशीन बंद कर दीजिए। जिन भाई को नहीं पता हो इस वीडियो को काफ़ी उनको शेयर कीजिए, बताइए उनको, क्योंकि दोस्तों इससे मैंने भी बहुत नुकसान खा दिया, मुझे पता नहीं था। और मैंने क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये स्वैप कर दिया इससे, और सीधा से भी दोस्तों मेरे को 850-750 रुपये का नुकसान हो चुका है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ कि आपको मैं दिखा दूँगा। ये 1 अप्रैल से इन्होंने चार्ज लगाया, और इन्होंने कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं दिया इन्होंने, और ये इन्होंने दिया नहीं। और ये देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरा भारत पे अकाउंट खुल रहा है, और देखिए मैं सारा कुछ टाइम से मैंने सारा विड्रॉल कर लिया है दोस्तों का। इसमें देखिए आपको चार्जेज दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि इसमें देखिए काफ़ी सारे चार्ज, 1,000 रुपये मैंने निकाला है इसमें, आप देख सकते हैं इन्होंने 30 रुपये चार्ज ले लिया है। ये बहुत ही वेस्ट है दोस्तों, इसमें मेरा खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें फिर दोस्तों ये मेरा टाइम है ना डेट के अनुसार मेरे को निकल चुका है, तो
इसको मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन इसका काफ़ी चार्जिंग है, उसको मेरे को मिल नहीं रहा है। वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा या आपको स्क्रीन शॉट शेयर करूंगा दोस्तों, इस पर कमेंट पर डाल दूंगा इसका चार्जेज है। आप लोग प्लीज़ इनको आप जितना जितना है दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिए, और ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि एक मशीन जिनके पास भी है वो स्वैप कर रही है, उनको पता ही नहीं होगा वह पेमेंट कहाँ जा रहा है, उनको लग रहा है वही क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को काफ़ी लोगों के पास शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि ये फ्रॉड कंपनी है, इनको बंद से जल्द बंद कर देना चाहिए। और मेरे पास ये 1 लाख का कार्ड भी है दोस्तों, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों इसमें मर्ज रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेमेंट निकाल रहे किसका पेमेंट निकाल रहे हैं, इसमें भी चार्ज लगा देगा दोस्तों आपका। तो मैं कोशिश करता हूँ इससे आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है, आप वीडियो को शेयर कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो ये देखिए मेरा चैनल है ब्लॉग पहले प्लेटफॉर्म ब्लॉग नाम से चैनल है, ठीक है, और बहुत सारे दोस्तों सोचे होंगे यार ये ब्लॉग है ये क्या वीडियो डालते दोस्तों। देखिए जब तक हमारा ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, वीडियो डालते रहेंगे इस पर, और हमारा बहुत जल्दी मोनेटाइज होने वाला ही वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग से दोस्तों ये आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग पता है दोस्तों। और भी मैं बहुत सारे वीडियो लाता हूँ क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग और भी लाए, और हमारा ये जो दोस्तों ट्रैवल एंड टूर का ट्रैवल एंड टूर का लोग जो ब्लॉग वाला काम स्टार्ट करने जा रहे हैं 24 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, गोवा जयपुर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जयपुर से हमारा फर्स्ट ब्लॉग होगा जिसमें हम लोग 3 लोग हैं, और आपको मैं पूरी जयपुर घुमाऊँगा और दिखाऊँगा दोस्तों क्या अच्छी चीज़ है क्या नहीं है। इस वीडियो को जितना जितना दोस्तों आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, HDFC स्मार्ट कार्ड लीजिए और फिर आप पैसा निकालिए जिसमें 12,000 है, एक बार निकाल सकते हैं एक कार्ड से अनलिमिटेड चार्जेस है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और जल्द से जल्द लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।